क्योंकि जो बड़ा अहम सवाल है, वन मोल ऑफ SO3 वॉज प्लेस्ड इन अ वेसल ऑफ 1 लीटर, ठीक है जी। 1 लीटर जो वॉल्यूम दे हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम 0.6 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वर फॉर्म्ड, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट KC। और आपको क्या कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट KC निकालना। सो वेल देखो, बड़ी आसान सी बात है, ये इक्वेशन है, 2SO3 से 2SO2 भी बन रहा है और SO2 भी। अब ज़रा यहाँ देखो, इसका ये जो ब्लैक से है, ये इक्वेशन है, ब्लैक मार्कर से लिखी है, 2SO3 प्लस 2SO2 प्लस SO। अच्छा, ब्लू मार्कर से जो लिखा है, ये जो क्वेश्चन के अंदर मोल्स दिए हैं, ये तो ओवरऑल मोल है, SO3 के 2 मोल होते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन में, SO2 के 2 और यहाँ O2 है, ठीक है, O2 का एक। लेकिन एक वो होंगे जो हमें सवाल में दिए हुए हैं, जैसे कि 1 मोल दिया हुआ SO3। अच्छा, या देखो, इनिशियल कंडीशन में प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है, 0 होती है। इक्विलिब्रियम जब कंडीशन आती है तो होता क्या है, जितना प्रोडक्ट में इजाफा होता है उतनी रिएक्टेंट में कमी होती है। जैसा कि SO2 में कितना इजाफा हो गया, 0.6 मोल हो गया, शुरू में 0 था, अब कितना हो गया, 0.6 मोल। इसके अलावा SO3 के कितने कम हुए होंगे, 0.6 मोल। क्यों? रीज़न ये देखो, दोनों ही क्वेश्चन बैलेंस है, इसमें भी 2 मोल्स हैं, इसमें भी 2 मोल्स हैं, इसलिए इसमें जितना इजाफा हुआ होगा उतनी इसमें कमी हुई होगी। 1 में से क्या माइनस कर दीजिए, 0.6 माइनस कर दीजिए, तो इसका मतलब है एट दैट स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, SO3 के होंगे 2 मोल्स। अब आए ज़रा O2 का जायज़ा लेते हैं, O2 में अभी कितने मोल्स हैं, इक्वेशन में देखो, यहाँ 2 यहाँ 1, यानी इसका डबल इसका आधा, तो देखो 6 का आधा क्या होता है, 3, और 0.6 का आधा क्या होगा, 0.3। O2 में खाली कितने मोल्स होंगे, 0.3। रीज़न वेरी सिंपल, इसके 2 मोल्स हैं तो इसके कितने होंगे,